हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक खास नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो प्याज भाजी की सब्जी है दोस्तों। चाहे तो इसे आप लोग आलू के साथ भी बना सकते हैं और चाहे तो दाल चने के साथ भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद आए सब्जी उस हिसाब से। तो आज हम लोग अरहर दाल के साथ में बनाने जा रहे हैं दोस्तों, एक नई रेसिपी विलेजी स्टाइल में। और जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा हमारा अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं हम लोग प्याज भाजी की सब्जी दाल के साथ में दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये रहा प्याज भाजी ताज़ा ताज़ा। देखिए कितना अच्छा है, इस तरह से होता है प्याज भाजी। और ये जो इसी पे गांठ पड़ के प्याज बन जाता है दोस्तों, तो इसी का आज हम लोग एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इसको काट लेंगे हम लोग। और ये रहा अरहल की दाल, तो इसे हम लोग एक सीटी उबाल लेते हैं कुकर पे, जिससे दाल पूरी तरह से गले ना। चाहे तो आप गला भी सकते हैं, तो हम लोग हल्का सा गलाएंगे। तो इसके बाद इसको दाल को हम लोग सब्जी में डाल लेंगे। तो चलिए प्रोसेस बनाते हैं, फिर सब्जी को प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए, दाल हम लोग हल्का सा पानी रख लिए हैं कुकर पे, और दाल को चढ़ा लेंगे चूल्हे पे कुकर को। देखिए दोस्तों, हम लोग कुकर को रख लिए हैं चूल्हे पे, और सब्जी अब बनाना हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं प्रोसेस को। तो पहले हम लोग दाल को गला लेते हैं हल्का सा, पूरी तरह नहीं। और चूल्हे में देखिए हम लोग आग जलाते हैं दोस्तों। और चलिए तो फिर दाल को अच्छी तरह से गला लेंगे दोस्तों। देखिए, हम लोग दाल के गलते तक हम लोग प्याज भाजी को भी छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जो उसका जड़ी है, जहाँ पे यहीं पे प्याज बनता है दोस्तों, गांठ बनता है प्याज का, तो हम लोग यहीं से काट लेते हैं पहले जड़ी को। और उसके बाद फिर छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी। आप लोग भी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और बताइएगा हमें कमेंट करके। तो चलिए काट लेते हैं हम लोग इस तरह से, सभी को छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल, देखिए ऐसे ही कर लेते हैं सभी को। देखिए कितना लंबा है इसका पत्ता, और इसमें फूल भी आता है दोस्तों जब पुराना हो जाता है पौधा पेड़ प्याज का। तो चलिए सभी को इस तरह से काट लेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, हम लोग सभी को काट लिए इस तरह से। ये देखिए, सबको काट लिए हैं हम लोग, छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए। ये देखिए, और उधर दाल भी हमारा अच्छी तरह से गलने वाला है। और ये देखिए, इधर सब्जी भी कट गया हमारा, प्याज भाजी भी। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग सब्जी। देखिए दोस्तों, हमारा दाल भी अच्छी तरह से गल गया है। और तो चलिए अब हम लोग सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कढ़ाई रख लिए हैं, सब्जी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं प्याज भाजी की सब्जी। तो चलिए तेल डाल लेते हैं हम लोग। देखिए तेल डाल लिए हैं, हल्का सा तेल डाले हैं, और तेल हल्का सा गरम कर लेते हैं। और इधर देखिए, हम लोग प्याज भाजी को बर्तन में रख लिए हैं, और इसमें ताज़ा पानी भी डाल लिए हैं धोने के लिए अच्छा से। और इधर हमारा हरा मिर्च है जो हल्का सा लाल पक भी गया है, तो बहुत ही स्वादिष्ट हल्का सा झाल भी रहता है इसमें। इसको डाल देंगे हम लोग, तेल भी गर्म हो गया हमारा फ़ौरन के लिए। ये देखिए, और भून लेंगे थोड़ा देर। देखिए हमारा मिर्च फोरन अच्छा से भुना गया है, और प्याज भाजी को हम लोग अच्छा से धो के डाल लेते हैं। इसमें हम लोग 4-5 टमाटर भी किए हैं, जो साथ में अच्छा से पक भी जाएगा ये भी भाजी के साथ में। तो चलिए हम लोग धो के डाल लेते हैं कढ़ाई में, पानी को अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए, और कढ़ाई में डाल के अच्छा से भून लेंगे प्याज भाजी को। फिर पकने के बाद इसमें दाल को आखिरी में डालेंगे, फिर अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए पूरी तरह से निकाल लिए हैं हम लोग। और चलिए अब कुछ देर अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज भाजी अच्छी तरह से भुना गया है, तो इसमें अब हम लोग मिर्च डाल लेते हैं। हल्का सा मिर्च डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और हल्दी भी डाल लेते हैं अब। ये देखिए,
और नमक डाल लेते हैं। इसके बाद अच्छी तरह थोड़ा सा मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से मिला लिए हैं। देखिए हम लोग हल्दी मिर्च नमक ये सभी डाल लिए हैं, और जो इसमें हम लोग टमाटर भी भुने थे वो भी अच्छी तरह से गल गया था, उसको निकाल के हम लोग मसल लिए हैं ये देखिए। और इसको भी डाल लेते हैं हम लोग सब्जी में अब। और दाल जो हम लोग उबाले थे उसको भी डाल लेते हैं, उसके बाद फिर फाइनली पका लेंगे। अब हम लोग दाल को डाल लेते हैं दोस्तों प्याज भाजी के साथ में मिश्रण करने के लिए, मिक्स करने के लिए। और देखिए हम लोग मिक्स कर लिए हैं, और चलिए फिर अब अच्छी तरह से पका लेंगे हम लोग कुछ देर के लिए। देखिए दोस्तों फाइनली हमारा सब्जी पक के तैयार हो गया है, प्याज भाजी की सब्जी दाल के साथ में हम लोग बनाए थे, ये देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए हम लोग चूल्हे से उतार लेते हैं अब हमारे सब्जी को। देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा सब्जी बना है, प्याज भाजी की सब्जी दाल के साथ में आज हम लोग बनाए थे दोस्तों विलेज स्टाइल में। आशा करता हूँ दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। आज हम लोग एक नई रेसिपी बनाए थे प्याज भाजी दाल के साथ में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।